चलिए सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर का। अभिजीत मौत मामले में अब नया टर्न सामने आया है। कोर्ट से निकलते वक्त अभिजीत की मां मीरा यादव ने एक बार फिर से अपना बयान पलट दिया है। मीरा यादव ने बयान पलटते हुए कहा है कि मेरे बेटे अभिजीत ने सुसाइड किया और मुझे इस मामले में फंसाया जा रहा है। बार बार बयान पलटती हुई दिखाई दे रही है वो। सीधे तौर से अब उन्होंने सुसाइड की बात कही है और अनिल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनिल, बार बार मीरा यादव बयान पलट रही हैं और इससे क्या गुमराह करने की कोशिश है? पुलिस के सामने बयान कुछ और देती हैं, कोर्ट में कुछ और कहती है, बाहर निकलती हैं तो कुछ और कहती सुनाई पड़ती है। जी बिल्कुल, देखिए पहले ये पूरा मामला पहले दिन से संदिग्ध है। मीरा यादव के बयान लगातार बदल रहे हैं। कल तक वो कह रही थी कि अभिजीत के सीने में दर्द हुआ था जिसके बाद उसकी डेथ हो गई और अब जब पुलिस ने उनको कोर्ट में पेश किया और वहां से उनको 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया तो अब वो नया बयान दे रहे हैं कि बेटे ने सुसाइड किया है। लेकिन फिलहाल पुलिस को उनके बयानों पर यकीन नहीं है और पुलिस यही मानकर चल रही है कि अभिजीत के कत्ल में उनका ही हाथ है और पुलिस इसी थ्योरी के आधार पर अपनी जाँच आगे बढ़ा रही है और यही वजह है कि उनको जेल भेज दिया गया 14 दिन की न्यायिक हिरासत में और अब पुलिस जो है आगे भी उनको रिमांड पर लेकर पूछताछ की कोशिश करेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपसे और ज्यादा अपडेट लेते रहें।